अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ इस भर्ती की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप वो भी चेक कर पाएंगे। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है, यानी कि अगर आप 10th पास है, तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, यानी कि भारतीय किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, वो भारतीय तटरक्षक की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, यानी भारतीय किसी भी स्टेट से आप इस भर्ती में ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप कम से कम 10वीं पास है, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। अगर आपका हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। आपको जहाँ पर दौड़ लगानी होगी 1600 मीटर के लिए, आपको यहाँ पर 7 मिनट का आपको यहाँ पर समय भी दिया जाएगा। अगर आप 7 मिनट में ये दौड़ कम्प्लीट कर सकते हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन आपको कहाँ से करना है, इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, क्योंकि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो सभी जानकारी के लिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखेगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो पोस्ट नेम रहेगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। नाविक डीबी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा, ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी आई हुई है। अगर फ्रेंड्स हम इस भर्ती फिजिकल डिटेल की बात करें, तो यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अगर आपके हाइट 157 सेंटीमीटर है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है। और आपको जब आप फॉर्म भरेंगे, आपको वहाँ पर बताना भी होगा कि जो आपकी हाइट है कितनी, यहाँ पर आपकी हाइट है उतनी आपको वहाँ पर फिल करनी होगी। तो इसलिए नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में जाना है, और वहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपकी रनिंग रहेगी 1600 मीटर, यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए आपको यहाँ पर 7 मिनट का समय दिया जाएगा। उठक बैठक आपको यहाँ पर 20 लगानी होगी, और पुशअप्स आपको यहाँ पर 10 लगाने होंगे। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर, जॉब करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, 47,600 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल, यानी कि आपको यहाँ पर इतनी सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे 18 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 1 अप्रैल 2021 तक की जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल 2021 तक आपकी एज नहीं तो 18 से कम हो, नहीं 30 से ज़्यादा हो। अगर आप SST कैंडिडेट है, तो आपको 5 ईयर की छूट मिलेगी। OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। इस भर्ती का जो एप्लीकेशन फीस होगा, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए और SST फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि सभी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन मोड से आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती की फिजिकल डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई है। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर 10वीं पास होना अनिवार्य है, आप यहां पर चेक कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन भी अगर दिखाऊं, तो आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है, वो भी 50% अंकों के साथ, आप तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये जानकारी चेक कर सकते हैं। अगर आप इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन की सब डिटेल, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। यानी कि आपको यहाँ पर एक ID प्रूफ भी देना अनिवार्य है। इस भर्ती का एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद यहाँ पर फिजिकल टेस्ट आपका रहेगा। अगर आप ऑनलाइन मोड से आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ से करना होगा। ग्रुप आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर पाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप। नोटिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यहां पर चेक कर पाएंगे। इसमें आपको जो यहां पर वैकेंसी दी गई, उसके बारे में आपको यहां पर बताया गया है। नाविक DB के लिए आपको यहां पर वैकेंसी दी गई है, यानी कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको यहां पर वैकेंसी दी गई है, इसमें आपको बताया गया है। अगर आप 10वीं पास है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, वही 50% अंकों के साथ। उसकी जानकारी आप यहां से ले पाएंगे, इसमें आपको फुल डिटेल के साथ बताया गया है। इस भर्ती की जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, आप यहां पर चेक कर पाएंगे। 30 नवंबर 2020 से इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए, 7 दिसंबर 2020 से पहले आपको अपना आवेदन फिल
कर लेना है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है 50 वैकेंसी आपको यहाँ पर टोटल दी गई है। जय हिंद, वंदे मातरम।